नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते का हाल, साथ ही अब न सिर्फ सोमवार बल्कि नए साल में और नए साल के पहले कारोबारी दिन अब आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। हमारे साथ आपकी तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, आपका करते हैं शो में स्वागत। और पूरी रिसर्च टीम वरुण से जानेंगे 2021 में कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। देवांशी हमें बताएंगे साल 2021 में FIIs और DIIs का पूरा एक्शन। कुशल से जानेंगे 2021 में कमोडिटी मार्केट की परफॉर्मेंस। आशीष हमें बताएंगे 2021 में IPO की कैसी चली आंधी और 2022 का सुपर स्टॉक भी। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर बाजार ने 2021 के आखिरी कारोबारी दिन को शानदार विदाई दी। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी के साथ साल की हैप्पी एंडिंग हुई। कारोबार के अंत में निफ्टी 150 अंक चढ़कर 17,350 के पार बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी 400 अंकों से ज्यादा उछला। पिछले एक साल की बात करें तो करीब 24% का उछाल इसमें दिखा। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त तेजी के बजाय। साल के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। दुनिया भर के बाजारों से सुस्ती और छुट्टियों के संकेत थे। ज्यादातर बाजार बंद या फिर थोड़ा ही कामकाज करते हुए बिल्कुल कम वॉल्यूम के साथ, लेकिन भारतीय बाजारों ने हल्की नरमी शुरुआत करते ही एकदम रफ्तार पकड़ी और कई दिनों के बाद बाजार 17,300 के पार निकले भी, टिके भी और बंद भी होते दिखे। तो एक जो बड़े ब्रेकआउट की तलाश थी 17,200-250 के ऊपर, वो साल के आखिरी दिन आज बाजार में आता दिखा। बैंक निफ्टी भी काफी समय से स्ट्रगल कर रहा था बार बार बंद होने के लिए 35,200 के ऊपर, आज 35,500 के बेहद नजदीक जाकर बंद हुआ। तो कुछ बड़ी तेजी देखने को मिली। इसकी वजह यह थी कि एक तो जो कुछ भी दिसंबर सीरीज के दौरान FIIs की बिकवाली का प्रेशर था वो सीरीज के खत्म होने के साथ थोड़ा सा मूड ठीक करते हुए दिखा। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से कोई खास संकेत नहीं थे। तीसरा, फंड्स के द्वारा NAV बढ़ाने के लिहाज से साल के आखिरी में आखिरी दिन अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। चौथा, ये ओमिक्रॉन का जो डर है वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आंकड़े बढ़कर आ रहे हैं लेकिन लग ये रहा है कि शायद लोगों में इम्यूनिटी बन रही है, और साउथ अफ्रीका से जो संकेत आ रहे हैं अफ्रीका से कि वहाँ अब खत्म होता दिख रहा है, उसने मूड माहौल सुधारने का काम किया। तो ढेर सारे ऐसे ट्रिगर्स थे जिनके दम पर आज बाजार हफ्ते के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन बेहद तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। सबसे बढ़िया बात यह कि पूरी स्क्रीन पर खरीदारी होती दिखी, चौतरफा खरीदारी होती दिखी, दिग्गजों के साथ छोटे मझोले शेयर बढ़े और सारे सेक्टर आज हरे निशान में बंद हुए। यानी कि आज के बाजार से किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं। चलिए, तो हमने साल के आखिरी दिन बाजार का हाल जाना, अब सोमवार की स्ट्रेटजी भी समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले हम आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी के पास सीधे चलते हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं आपको, और साथ ही ये भी समझना अब चाहते हैं हम कि फिलहाल मूड माहौल बाजार का आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा साल का आखिरी दिन कारोबारी हफ्ता काफी शानदार एंडिंग की है, हैप्पी एंडिंग बाजार ने की। क्या मोमेंटम बरकरार रखने की उम्मीद रखे नए साल में भी, और सोमवार के लिए इंट्राडे पिक और पोजिशनल व्यू कहां रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, तो देखिए 2020-2021 ये दोनों साल में बाजार में काफी अच्छी तेजी हुई और काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने, और जो इन्वेस्टर्स की जो बाजार की और जो आने का उनका जो एक मूड माहौल है वो और बड़ा है, और हमें लगता है कि आने वाले साल में ये और बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये ब्रॉडबेस तेजी थी, और ब्रॉडबेस तेजी में क्या होता है कि हर एक सेक्टर में पैसे बनते हैं, और इसी वजह से जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे या जितने भी बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स थे उन सभी में पैसे बने, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो आने वाला साल है उसमें और निवेशक काफ़ी जोर से मार्केट में पैसा लगाएंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो ट्रिगर्स है जैसे कि क्वार्टरली नंबर्स है या तो यूनियन बजट है या तो यूपी इलेक्शन है, यहाँ पे भी लोगों की नज़र रहेगी, और ये सभी इवेंट काफ़ी बड़े हैं। और अगर ये सभी इवेंट अगर मार्केट अगर जैसे 2020-21 में पॉजिटिवली क्लोज करते गया, अगर ये इवेंट इस बार भी अगर पॉजिटिवली अगर क्लोज होता है तो हमें शायद बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी भी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मार्केट पे अगर फोकस करना है और मार्केट के लेवल्स को अगर देखना है तो सबसे बढ़िया बात ये थी कि मार्केट ने 17,000 के लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले 3 या 4 दिनों में मेंटेन किया, होल्ड किया,
जबकि मार्केट में एक ओमाइक्रॉन का जो वायरस है उसके पीछे जो एक डर सा बना था उसके बावजूद मार्केट ने 17,000 के लेवल्स को मेंटेन रखा। और आज फाइनली जब एक नई सीरीज की शुरुआत हुई उसमें हमने एक ब्रेकआउट देखा, तो हमें लगता है कि मार्केट टेक्निकली प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो प्रीवियस वीक के जो हाईस थे वो थे 17,250 के, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अभी मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो प्रीवियस मंथ के हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर रहेगा, और प्रीवियस मंथ के जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो थे 17,650 के। तो यहाँ से हमें लगता है कि बाजार के लिए लगभग 17,650 का टारगेट तय हो रहा है, और जो कॉल राइटिंग 17,500 के करीब थी वो थोड़ी शिफ्ट होके अभी 17,700 और 18,000 के करीब जा चुकी है। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि वापस एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 17,150 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल सर, श्रीकांत जी इंट्राडे और पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, तो देखिए स्वाति, हमें लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर व्यू लेना है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक मोमेंटम है। और अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि एम्फेसिस बीएफएल पे फोकस करें, जो 3,400 के करीब बंद हुआ है, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 3,340 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 3,550 के। एक काफी अच्छा शॉर्ट टर्म इसने ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया है। साथ ही साथ अगर मैं एक मीडियम टर्म की बात करूँ, यानी कुछ हफ्तों की अगर एक पोजीशन अगर हमें बनानी है तो वहां पे हमें फोकस करना है नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर। आज जो हमने बढ़त देखी थी कुछ मेटल कंपनीज में, वहां पे हिंडाल्को नाल्को जैसे स्टॉक्स में हमने काफी बड़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट में एक बढ़ोतरी देखी थी, और हमें लगता है कि नाल्को ये यहाँ से एक बार 110-108 के लेवल्स दिखा सकता है, यहाँ पे हम 95 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, तो श्रीकांत जी की राय इंट्राडे में एम्फेसिस में खरीदारी करने की सलाह, पोजिशनल व्यू नाल्को में रखने का सुझाव श्रीकांत चौहान की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं बाजार सेक्टर और शेयरों का जो हाल 2021 में कैसा रहा। प्रदर्शन बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, जरा दीजिए साल 2021 का रिकैप। देखिए, कैलेंडर ईयर 2021 भारतीय बाजारों के लिए काफी इवेंटफुल और काफी बेहतरीन भी रहा है। एक तरफ जहां पे आपने देखा कि लिक्विडिटी की भरमार थी साल के शुरुआत में, इसके साथ साथ अर्निंग्स का भी सहारा मिला, तो दूसरी तरफ कोरोना की सेकेंड वेव और साथ ही साथ साल के आखिरी में FIIs की तरफ से बिकवाली जो है वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आई। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों का प्रदर्शन जो था वो काफ़ी बेहतरीन था। निफ्टी सेंसेक्स में देखिए करीब 22-23% के आसपास का उछाल देखने मिला, और निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब ने अपना लाइफ हाई जो है वो इस साल बनाया है। बैंक निफ्टी में भी करीब 14% के आसपास का उछाल रहा, लेकिन इससे भी अच्छा एक्शन अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने मिला। मिड कैप इंडेक्स करीब 45% के आसपास के रिटर्न्स देखने मिले, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 58% के आसपास की रैली जो है वो इस साल देखी गई है। सेक्टर्स पर भी बात करें तो मेटल्स, IT, रियल एस्टेट, यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला, खासकर मेटल्स में करीब 70% के आसपास के गेंस थे। इसके अलावा FMCG, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, ये वो सेक्टर्स थे जहाँ पे जम के कमाई हुई है। स्टॉक्स पर भी एक्शन की बात करेंगे तो टॉप गेनर्स में इस बार टाटा मोटर सबसे आगे था। वैसे भी देखिए ऑटो स्पेस में काफ़ी हलचल हुई, EV को लेकर काफ़ी हलचल थी, और इस बीच टाटा ग्रुप की कंपनीज में भी अच्छा खासा उछाल देखने मिला। टाटा मोटर्स में 150% से ज़्यादा के उछाल देखने मिले। हिंडाल्को करीब 90% के आसपास, टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज 300, ये वो काउंटर्स थे जहाँ पे 80% के आसपास के गेंस देखने मिले। लूजर्स की बात करेंगे तो ऑटो में ही जो टू व्हीलर स्पेस थी वहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिली। हीरो मोटोकॉर्प करीब 22% के आसपास की गिरावट थी। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 12% की गिरावट यहाँ देखने मिली। बजाज ऑटो और एक टू व्हीलर कंपनी, यहाँ 7% के आसपास की गिरावट थी। डॉक्टर रेडीज और HDFC लाइफ ने भी अंडर परफॉर्म किया। मिड कैप में जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला उसमें JSW एनर्जी था, पूना वाला फिनकॉर्प था, यहाँ करीब 350-450% के आसपास के गेंस देखे गए। टाटा एलेक्सी, KPITTECH, IRCTC इस साल काफ़ी फोकस में रहा, ये स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी आई, उसके बाद गिरावट, लेकिन एंड टू एंड अगर आप देखेंगे तो 190% के आसपास की तेज़ी थी। लूजर्स के तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे धनी सर्विसेज, हमारा राजा, उज्जीवन, स्ट्राइड्स, RBL बैंक साल के आखिरी में इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, और पूरे साल भर का अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास की गिरावट के साथ इस काउंटर ने पूरा साल क्लोज किया है। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गेनर्स लूजर्स दोनों की लिस्ट मिलेगी, लेकिन साल जो रहा है भारतीय बाजारों के लिए काफी बेहतर रहा है, और पॉजिटिव रिटर्न्स जो है इस साल भी भारतीय बाजारों में देखे गए हैं।
बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए और इस रिसर्च को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं साल 2021 में FIIs और DIIs का भारतीय बाजारों में कैसा प्रदर्शन रहा, ये रिपोर्ट बता रही है हमारी सहयोगी देवांशी, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए पिछले कई सालों के DIIs और FIIs की बाइंग और सेलिंग के अगर आप डेटा देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाहर निकल के आए हैं। पिछले 8 सालों में से 5 सालों में FIIs यानी कि विदेशी निवेशकों ने भारत में बिकवाली की है। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो केवल 2 साल ऐसे थे जब DIIs की तरफ से बिकवाली हावी हुई है, लेकिन बाकी जितने भी साल थे DIIs की तरफ से या जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने जमकर खरीदारी की है। अब अगर आप देखिए पिछले अगर इसी साल की बात करें यानी कि 2021, तो FIIs 2018 के बाद की सबसे ज्यादा बिकवाली इसी साल की है। 93,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो बिकवाली है वो FIIs ने इसी साल की है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि DIIs यानी कि घरेलू निवेशकों ने इस साल जमकर खरीदारी भी की है और इसी से बाजार को सहारा भी मिलता हुआ दिखा। 2018 के बाद इसी साल DIIs की सबसे ज्यादा खरीदारी आती हुई दिखी है। और साथ ही अगर आप इसी साल की बात करें यानी कि सारे महीनों की बात करें तो पिछले 3 ही महीनों में FIIs ने जमकर बिकवाली की थी। ग्लोबल इसमें जो टेंशन थी इसी के चलते हमने देखा पिछले 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में FIIs की तरफ से करीब 1,00,000 करोड़ तक की बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। और वहीं पिछले 2 महीनों में DIIs की तरफ से काफ़ी सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखा है। करीब 60,000 करोड़ की जो बाइंग है वो DIIs ने पिछले 2 महीने में की है। यही नहीं, DIIs ने पूरे साल सपोर्ट किया है। सिर्फ पहले 2 महीने थे जब DIIs ने बिकवाली की थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर में DIIs की जमकर खरीदारी आती हुई दिखी। तो इस साल भी हमने इंटरेस्टिंगली यही देखा है कि FIIs ने बिकवाली की है, लेकिन DIIs ने मार्केट को काफी सहारा दिया और जमकर खरीदारी इस साल भी आती हुई दिखी। आइए अब आपको बताते हैं 2021 में कमोडिटीज का हाल कैसा रहा, और हमारे सहयोगी कुशल के पास चलते हैं। कुशल जरा बताएं कमोडिटी का कैसा रहा रिकैप 2021 में। जी, तो 2021 में अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ में भी काफ़ी हलचल रही। जहां पर अगर आप कच्चा तेल की बात करें तो यहां पर ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमें देखने को मिले पूरे साल में। WTI ऑलमोस्ट 58% बढ़ा। इनफैक्ट ब्रेंट और नेचुरल गैस की भी अगर आप बात करें तो 40% से लेकर 53% तक की गेंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर पर खासा दबाव था, करीब 4 से 12% की कटौती यहाँ पर थी। पर अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे मेटल पैक्स से जुड़े हुए जितने भी कमोडिटीज़ हैं जिसमें कॉपर एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 25 से 42% की ग्रोथ जो है आती हुई नजर आई। साथ ही जिंक और निकल में भी ऑलमोस्ट 25% का उछाल हमें देखने को मिला। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं अगर आप कॉफी टी की बात करें, खासकर यहां पर इन सब स्पेसेस में कॉफी टी रबर शुगर कॉटन में, कॉफी में अगर आप देखें तो करीब 78% की गेंस हमें देखने को मिले। वहीं कॉटन में सेकेंड हाइएस्ट ग्रोथ यहां पर रही। पर दूसरी तरफ रबड़ की बात करें तो पूरे साल में 17% का कट यहां पर आता हुआ नजर आया। कोयले का कीमत ऑलमोस्ट 111% बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ आयरन ओर की कीमतों में 27% की 2021 में कटौती आती हुई नजर आई। पर सोडा ऐश और साथ ही बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में ऑलमोस्ट 100% की गेंस आते हुए नजर आए, और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में तो लगभग 60% की ग्रोथ आती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मेटल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हैवी गेंस आते हुए दिखे थे, और कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में भी 2021 जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। और अब ये देखना होगा कि 2022 में इन सभी कमोडिटीज की चाल जो है कैसी रहती है। तो वही 2021 में IPOs की रही बहार, लेकिन क्या रहा उनका हाल, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए बहुत एक्शन पैक्ड साल जो है वो देखने को मिला। आईपीओ के लिहाज से अगर आप देखें तो कुल 63 कंपनियों के जो है आईपीओ आते हुए नजर आए, और इनसे कंपनियों ने 1,20,000 करोड़ जुटाए। 1,20,000 करोड़ में अगर आप देखें तो 64% जो है OFS यानी 77,000 करोड़ जो है OFS था, बाकी 43,000 करोड़ के जो फ्रेश इशू लाए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा IPO जो आते हुए नजर आए थे, 11 कंपनीज के IPO आए थे। इससे पहले मार्च में अगर आप देखें तो 10 कंपनियों के IPO आए थे, और सबसे बड़ा IPO भी अब तक का इतिहास का इसी साल में देखने को मिला। पेटीएम का 18,300 करोड़ का जो है इशू साइज था। इसके अलावा कुल 7 IPO का इशू साइज जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा का, यानी बड़ी कंपनीज के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इस साल बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिला। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कौन से इस साल के जो है हाईएस्ट इशू साइज के लिहाज से IPOs हैं। पेटीएम जैसा कि मैंने आपको बताया 18,300 करोड़, जोमैटो 9,375 करोड़, और स्टार हेल्थ जिसको सुस्त रिस्पांस देखने को मिला था 7,250 करोड़ के आसपास का जो है इशू आते हुए नजर आया। और सब्सक्रिप्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो जो है लेटेंट व्यू ये सबसे नंबर पहले पर आता है, 327 गुना यहाँ पर जो है
सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, पारस डिफेंस 304 गुना और टेगा इंडस्ट्रीज यहां पर 219 गुना जो है सब्सक्रिप्शन आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो लिस्टिंग एक्शन को समझा जाए इस साल तो 63 आईपीओ में से 46 आईपीओ ऐसे थे जिनकी लिस्टिंग जो है प्रीमियम पर हुई और कुल 63 में से 16 आईपीओ ने जो है लिस्टिंग डे के दौरान 50% से ज़्यादा जो है मुनाफा निवेशकों को दिया। और अभी भी अगर आप देखें तो 63 में से 42 कंपनियों के जो आईपीओ आए थे वो अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। लिस्टिंग गेंस जैसा कि मैं बता ही रहा हूं तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला सिगाची में, 250% का उछाल यहां पर लिस्टिंग गेन देखने को मिले। पारस डिफेंस 168%, लेटेंट व्यू करीब करीब 160%। और ये साल इसलिए भी खास रहा क्योंकि ढेर सारी जो न्यू एज कंपनीज हैं इनके इशू आए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 11 न्यू एज कंपनीज के जो है कारोबार की लिस्टिंग होती नजर आई। कुछ नाम आपके सामने रखता हूं, मैपमा इंडिया है, पॉलिसी बाजार है, जोमैटो, पेटीएम, नायका जैसे जो ऐतिहासिक कंपनीज है इन्होंने इस साल जो अपना आईपीओ लेकर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है 2022 के सुपर स्टॉक का। तो गैरी रिसर्च के बाद चुना गया 2022 का सुपर स्टॉक और आशीष आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं और जानेंगे कौन सा सुपर स्टॉक है जो आज आप बताने वाले हैं। देखिए कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी जो है टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी है, 50 साल से ज़्यादा का जो है कारोबार में अनुभव है और इनरवेयर में अगर आप देखें तो इनकी प्रेजेंस और ब्रांड रिकॉल वैल्यू तो बहुत शानदार है लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और अब थर्मल वेयर के साथ कैजुअल वेयर भी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ इनका कोलैबोरेशन FCUK है, FOTL है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स हैं इनके साथ ये काम कर रहे हैं और इसके चलते माना जा रहा है कि अगले कुछ साल में अगर आप देखें तो शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो FY21 कंपनी के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला और अगला जो आउटलुक है वो और भी बढ़िया नज़र आ रहा है क्योंकि अगले 3 साल में ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के जो आय है इसमें आपको 16-20% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव टाइप किए इससे हाई मार्जिन भी आएंगे और ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी जो है अब अपने बिजनेस मॉडल को भी चेंज कर रही है, इससे पहले अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काफ़ी बड़ा फोकस था लेकिन अब जो है B2C जा रही है कंपनी और इसी के साथ दक्षिण और पश्चिम भारत में भी जो है विस्तार कर रही है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी इनका जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप फाइनेंशियल्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑलरेडी ओवर द इयर्स कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है लेकिन खास बात यह है कि जो FY21 में 1300 करोड़ की आय थी वो FY23 में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि 1900 करोड़ के पार जाएगी और मुनाफे का भी ट्रेंड अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि FY23 में 250 करोड़ के पार जाएगा। कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छी हैं और सबसे बढ़िया बात कि जिस भाव पर आपको मिल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि अगर आप इसकी दिग्गज कंपनियों के साथ तुलना करके देखेंगे तो वैल्यूएशंस आपको सस्ते नजर आएंगे। केवल मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो 2.5 times का है, दूसरी कंपनियों में लक्स इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करके देखें तो बहुत सस्ता है। पी मल्टीपल के भी लिहाज से अगर आप देखें तो सिर्फ 18 times पर आपको मिल रहा है, यानी हर लिहाज से कंपनी काफ़ी शानदार है। फंडामेंटल तर्क तो मैंने आपके सामने रख दिए, अब अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो जो इस कंपनी के बारे में पसंद है, ब्रांड ऐसी है कि मतलब मतलब लोग नाम से जानते हैं, एस्टेब्लिश्ड एकदम प्रोमोटर्स एस्टेब्लिश्ड है, मतलब बहुत पुराने प्रोमोटर्स है, बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, उसका कोई मुकाबला नहीं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है कि पहले B2B करने के बजाय अब B2C डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जो रिटेल में एंट्री की है उसका बड़ा फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है मार्जिन्स के तौर पर, तो इनके मार्जिन्स बहुत बढ़ेंगे सीधा इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदली है। अब आते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक यहां भी आपको बहुत अच्छा नजर आता है वो है इसके वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। इनका कॉम्पिटिटर है बड़ा लक्स, नंबर वन है, 11000 करोड़ का मार्केट कैप है, इस कंपनी का मार्केट कैप है 3300 करोड़। लक्स की जितनी सेल्स ये कंपनी 2 साल में कर लेगी तो 600, 700, 900 ये 3 टारगेट लेकर चले आप रुपए इनकम के लिए, कमाल कर सकता है ये स्टॉक और बहुत ही बेहतरीन है। आराम से बाजार की गिरावट में 2022 में आपको जब जब मौके मिले इसे एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और आइए अनिल जी से समझते हैं साल के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार के लिए अहम संकेत और साथ ही क्या रखें स्ट्रेटजी। सोमवार को जब हम बाजार में लौटेंगे ट्रेड के लिए तो देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकी बाजारों में आज रात का कारोबार रहता है और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स तो देखेंगे और आज भले ही साल का आखिरी दिन रहा हो लेकिन आज के इस तेजी के पीछे
एफआईआईज की तरफ से किस तरह के आंकड़े आते हैं, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, अब 17,200-17,250 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और बाजार ऊपर की तरफ 17,600 की तरफ धीमे धीमे जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,200 अब आपके लिए सोमवार को सपोर्ट के तौर पर रहेगा बाजार में, और ऊपरी स्तरों पर 35,800-36,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी तरफ से भी हो सकती है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी बनेगी, जनवरी के महीने की शुरुआत होगी, बजट से पहले का महीना है, तो प्री बजट बाइंग थोड़ी बहुत उम्मीदें खरीदारी की वहां से बनती हुई दिखेगी। तो ढेर सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जनवरी के महीने में आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो इन सब के बीच में एक और दमदार हफ्ता अगले हफ्ते भारतीय बाजारों के लिए ट्रेडिंग के लिए। अब समझते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी, और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए सोमवार के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी बताएंगे? बिल्कुल स्वाति, आपको और सभी दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। और देखिए, इस साल बाजार ने लगभग 24-25% निफ्टी ने रिटर्न दिया, और हमारा मानना है कि 15-20% की रैली और इस साल में बनेगी। लास्ट जो हमारा शो हुआ था उसमें हमने टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल में ऑप्शन दिया था, जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना। और आज के नए ट्रेड के लिए हमें दो स्टॉक्स फोकस में, एक रहेगा टाटा मोटर्स और दूसरा रहेगा मैकडोवेल। तो सबसे पहले तो टाटा मोटर्स की बात करें, तो काफी अच्छा प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट में बन रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी, और टाटा मोटर्स का जनवरी का 500 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में लगभग 23 रुपए तक के लेवल को छू सकता है। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा मैकडोवेल पे। ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड के चलते यूनाइटेड स्प्रिट की स्प्रिट हाई रहेगी, टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, तो उसके चलते यहाँ पे लगभग आपको 950-970 तक के लेवल बनेंगे। तो जनवरी का 920 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास बंद हुआ, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे आपको 36 रुपए तक के टारगेट हासिल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद चंदन जी शो में शामिल होने के लिए। और श्रीकांत जी, लॉन्ग टर्म खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर पे फोकस करें, और ये स्टॉक लगातार 2850-2860 से गिरते गिरते तकरीबन 2200 के करीब आया था, और ये सबसे बड़ी गिरावट हमने इस स्टॉक में देखी थी। लेकिन पिछले कई बार ये स्टॉक ऐसे ही गिरा है, और उसके बाद बॉटम आउट होने के बाद जब ये स्टॉक चला है तो उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। इस बार भी अगर आप देखें तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन इसने डेली चार्ट्स पे बनाया है, और काफी अच्छे रिवर्सल फॉर्मेशन इसने मंथली और वीकली चार्ट्स पे बनाया है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2700 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, और जो इसके प्रीवियस हाईज है 2850 या 2860 शायद ये इसे भी क्रॉस कर सकता है। तो करंट लेवल्स जो है 2360-2370 के, हमें लगता है कि इस लेवल पे भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2250 का, और अगर पूरे साल के लिए भी अगर पोजिशन लेनी है तो बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है। HUL में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।